हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। गाइज, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। अब बात करते हैं साथियों आज की क्लास की। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू की, यानी कि जंतु ऊतक की। साथियों, हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, एक क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, यानी कि उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। सबसे पहले आपको मैं कल का थोड़ा बहुत रिविजन करवा देता हूँ, उसके बाद में साथियों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ईसीएस हो, एनडीए हो, नीट हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथियों, क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एनिमल टिश्यू से साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हिंदी में कहा जाता है साथियों जंतु ऊतक। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि ऊतक क्या होते हैं। एक जैसी कोशिकाओं का समूह साथियों ऊतक कहलाता है। मैंने कहा जिस तरीके से साथियों जो परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे कोशिका मिलकर साथियों एक ऊतक का निर्माण करती है। यानी कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह, या फिर मैं कह सकता हूँ कोशिकाओं का समूह साथियों क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को दोस्तों हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए, हमारी बॉडी में साथियों जो टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू कहा जाता है। और जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं साथियों उन्हें कहा जाता है प्लांट टिश्यू। मुख्य रूप से साथियों जो एनिमल टिश्यू है साथियों वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, चार प्रकार के। देखिए, नंबर एक पर बात करते हैं साथियों एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। इसे कहा जाता है साथियों हिंदी में उपकला ऊतक। नंबर दो पर आता है भैया कनेक्टिव टिश्यू, इसे कहा जाता है संयोजी ऊतक। नंबर तीन पर आता है मस्क्यूलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक, मांसपेशीय ऊतक। और नंबर चार पर आता है साथियों न्यूरल टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। मैंने आपको बताया साथियों कि जो जंतु ऊतक होते हैं वो मुख्य रूप से साथियों चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर आता है साथियों एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। नंबर दो पर आता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। नंबर तीन पर आता है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक। और नंबर चार पर आता है साथियों न्यूरल टिश्यू, यानी कि तंत्रिका ऊतक। कल के वीडियो में साथियों हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, उपकला ऊतक क्या होते हैं। ये ऐसे ऊतक होते हैं साथियों जो आपकी बॉडी को कवरिंग देने में सहायक होते हैं, आवरण देने में सहायक होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को कवर देने का कार्य कौन करती है, आपकी त्वचा करती है। तो साथियों त्वचा में जिस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं साथियों वो है भैया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इन ऊतकों में साथियों जो कोशिका पाई जाती है, देखिए दो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है साथियों उसे कहा जाता है मैट्रिक्स, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। अंतःकोशिकीय स्तर साथियों वो नहीं पाया जाता। किस प्रकार के ऊतकों में, एपिथेलियल टिश्यू में। उपकला ऊतक
साथियों फिर इसको भैया दो भागों में बांटा गया था एपिथेलियल टिश्यू को, एक है सरल उपकला ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा था साथियों कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जटिल उपकला ऊतक। जटिल उपकला ऊतक थे साथियों वो भैया आपकी त्वचा में पाए जाते थे, आपकी स्किन में पाए गए थे, और जो सरल उपकला ऊतक है साथियों वो जहां पर आपकी शरीर में केविटी है यानी कि गुहा है, जैसे कि क्रेनियल केविटी, बक्कल केविटी, नोजल केविटी, थोरेसिक केविटी, एब्डोमिनल केविटी, पेल्विक केविटी, और जहां पर साथियों जैसे कि डक्ट है यानी कि नलिया है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, आपकी भोजन नली, फूड पाइप, विंड पाइप, वहां पर साथियों सरल उपकला ऊतक यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाए गए थे। आपको समझ में कम आ रहा होगा साथियों, इसलिए आ रहा होगा क्योंकि भैया आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों जाओ पहले कल की वीडियो देखो, उसके बाद में आज की वीडियो देखोगे तो आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे साथियों आज की इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में साथियों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने कोशिका की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था, एक तो एस्क्यूमस और एक था साथियों क्यूबोइडल और एक था कोलमनार। फिर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं साथियों टिश्यू, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यानी कि संयोजी ऊतकों के बारे में। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे साथियों कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं हमारे शरीर में साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक है साथियों वो कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि संयोजी ऊतक है। अब ये संयोजी ऊतक साथियों क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, किसके बने होते हैं साथियों, और क्या काम करते हैं, और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों, जो मैंने अब तक आपको बताया है वो सिर्फ कल का रिवीजन करवाया था, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कम आया है तो जाओ पहले कल की वीडियो देखो। मिटा दो भैया, ओके। नंबर दो पर आप हेडिंग लगाओगे साथियों कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। देखिए बेटा अब से स्टार्ट होती है आज की क्लास, नंबर दो पर आता है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट लिखना है, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है, यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले, यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले सर्वाधिक ऊतक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते थे साथियों कि यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले नहीं, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है, ऐसे लिख देता हूं, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, यह हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है। देखिए मैंने आपको बताया था साथियों कि आपकी बॉडी में मुख्य रूप से चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और साथियों न्यूरल टिश्यू, जिनमें साथियों जो कनेक्टिव टिश्यू है जो संयोजी ऊतक है साथियों ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं साथियों कि कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक क्या करते हैं। देखिए दो संरचनाओं को जोड़ने में सहायक होते हैं साथियों कनेक्टिव टिश्यू, देखिए कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, संयोजी संयोजन करने में सहायक होते हैं साथियों इस प्रकार के टिश्यू, ये आपकी बॉडी में साथियों दो संरचनाओं को जोड़ने में सहायक होते हैं, कौन, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। तो साथियों मैं लिख सकता हूं कि दो अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं इस प्रकार के ऊतक, और साथ ही साथ में साथियों दो अंग है जिनको जोड़ेंगे साथियों और साथ ही साथ में उन्हें मजबूती देने में भी सहायक होते हैं इस प्रकार के ऊतक। तो आप क्या लिखोगे साथियों कि दो अंगों को जोड़ने में, दो अंगों को
जोड़ने में वह मजबूती देने में सहायक होते हैं, मजबूती देने में सहायक होते हैं। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैंने यह कहा कि साथियों मुख्य रूप से जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और भैया न्यूरल टिश्यू, जिनमें साथियों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहली लाइन ये लिखी साथियों कि ये जो ऊतक होते हैं ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है। दूसरी बात मैंने ये लिखी कि जो संयोजी ऊतक है, मैंने आपको बताया कि दो संरचनाओं को जोड़ने में सहायक होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ साथियों कि दो अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं और साथियों मजबूती देने में सहायक होते हैं। कौन? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कनेक्ट करने में सहायक होते हैं, संयोजन में सहायक होते हैं, जोड़ने में सहायक होते हैं। किन्हीं? दो अंगों को और मजबूती देने में सहायक होते हैं साथियों। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चा, ओके भैया, इतनी बात क्लियर। ओके, अब देखिए जो संयोजी ऊतक होते हैं साथियों, इनमें जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं के बीच को, उन कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैट्रिक्स, या कहते हैं साथियों इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय स्थान। ये इनमें पाया जाता है भैया, इस प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। लेकिन भैया जो एपिथेलियल टिश्यू थे उनमें साथियों ये जो मैट्रिक्स है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये अंतःकोशिकीय स्थान है, दो कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को कहा जाता है मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेस या अंतःकोशिकीय स्थान। तो एपिथेलियल टिश्यू में तो साथियों ये स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन भैया जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिका है उनके बीच में साथियों ये रिक्त स्थान पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि भैया संयोजी ऊतकों की जो कोशिका होती है उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है या इंटरसेलुलर स्पेस या अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है, और दोस्तों ये पाया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया साथियों कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। क्या होते हैं साथियों? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक है। दूसरी बात, क्या करते हैं साथियों? ये दो अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं और मजबूती देने में सहायक होते हैं, और इनके बीच में जो कोशिका पाई जाती है साथियों, उन कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है जिसे मैट्रिक्स कहते हो वो पाया जाता है। ये साथियों मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ये कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक, चार प्रकार के। नंबर एक पर आता है साथियों कार्टिलेज, हिंदी में कहा जाता है उपास्थि। नंबर दो पर आता है साथियों एडिपोज टिश्यू, हिंदी में कहा जाता है वसीय ऊतक। नंबर तीन पर आता है साथियों बोन्स, यानी कि आपकी हड्डियां। और नंबर चार पर आता है साथियों ब्लड, यानी कि रक्त या फिर रुधिर या फिर जिसे आप खून कहते हो। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि हड्डी क्या है, तो हड्डी एक प्रकार का ऊतक है। और कैसा ऊतक है साथियों? कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साथियों कि ब्लड क्या है, तो ब्लड साथियों एक प्रकार का ऊतक है। और कैसा ऊतक है साथियों? तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। कोई आपसे पूछे कि एडिपोज टिश्यू क्या है, तो एक प्रकार का ऊतक है। कोई आपसे पूछे कि उपास्थि क्या है, कार्टिलेज क्या है साथियों, तो यह भी एक प्रकार का ऊतक। और किस प्रकार का ऊतक है? तो कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। तो बोलो बेटा, इतनी कहानी आपको समझ में आई नहीं आई? अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू के बारे में आपको बताएंगे, बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में बताएंगे, और साथियों आपको ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। ये साथियों संयोजी ऊतकों के चार प्रकार है, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, बोन्स और भैया ब्लड। ये क्या क्या करते हैं साथियों, कहाँ पर होते हैं, इनके कार्य पढ़ाएंगे साथियों आपको। पहले मुझे ये बताओ, अब तक साथियों जो मैंने पढ़ाया है आपको वो समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। साथियों ये ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए हमारी बॉडी में मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं,
चार प्रकार के उत्तक होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है साथियों, ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक है। इतनी बात क्लियर? ओके। अब बात आती है कि ये उत्तक काम क्या करते हैं, तो दो अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं साथियों ये उत्तक। इतनी बात क्लियर बेटा? और साथ ही साथ में मजबूती भी देते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। साथियों इन उत्तकों में जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं के बीच में साथियों रिक्त स्थान पाया जाता है, और उस रिक्त स्थान को कहा जाता है मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेस या अंतःकोशिकीय स्थान। इतनी बात क्लियर? ओके। साथियों ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं संयोजी उत्तक। एक होता है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, नंबर दो पर होता है एडिपोज टिश्यू, और नंबर तीन पर होता है बोन्स यानी कि हड्डियां, नंबर चार पर होता है साथियों ब्लड जिसे आप रुधिर, रक्त या खून कहते हो। अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब पढ़ने वाले हैं साथियों कार्टिलेज के बारे में यानी कि उपास्थियों के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्टिलेज यानी कि उपास्थि क्या है साथियों, तो अंग नहीं है भैया, एक प्रकार का टिश्यू है। और टिश्यू भी कैसा साथियों, तो भैया कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू साथियों? कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नंबर एक पर आता है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। देखिए दोस्तों जो कार्टिलेज होती है, जो उपास्थि होती है, ये आपका कान है। ये कान का जो भारी भाग होता है साथ ही से कर्ण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है, ये उपास्थि का बना होता है। देखिए ये उपास्थि का है साथियों। ये ठोस तो होते हैं लेकिन इसमें लचक पाई जाती है। और ये आगे वाला ये देखो ये हिस्सा, नाक का जो आगे की नोक होती है साथियों, ये भी किसकी बनी हुई होती है? ये भी कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई होती है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे साथियों कि यह ठोस तो होती है लेकिन ठोस के साथ में साथियों लचीली भी होती है। ठोस के साथ में लचीली होती है, पहली बात क्लियर है। ओके। दूसरी बात साथियों, उपास्थि में जो कोशिका पाई जाती है साथियों, उस कोशिका का नाम क्या है? तो साथियों उस कोशिका का नाम है साथियों कोंड्रोसाइट कोशिका। कोंड्रोसाइट कोशिका, कोंड्रोसाइट कोशिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो भैया कोंड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो भैया कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोंड्रिन प्रोटीन। बोलो बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए बेटा जो छोटा बच्चा होता है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात शिशु, उसमें मुख्यतः यानी कि अधिकांश साथियों उपास्थि होती है यानी कि कार्टिलेज होती है। लेकिन साथियों जैसे जैसे ही वो बड़ा होता जाता है साथियों, वो जो उपास्थि होती है, वो जो कार्टिलेज होती है साथियों, उनमें से मुख्यतः नहीं तो अधिकांश साथियों लगभग 80% साथियों हड्डियों में परिवर्तन हो जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल की बात करें साथियों, तो उपास्थियों के एग्जाम्पल क्या क्या है? तो जैसे कि कान का बाहरी भाग, कान का बाहरी भाग। और बात करें साथियों तो नाक की नोक, और बात करें तो भैया शरीर के जो जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट भी साथियों उपास्थि के बने होते हैं। मैंने कहा ना ये क्या करते हैं साथियों, कनेक्टिव टिश्यू दो अंगों को जोड़ने में सहायक होते हैं। तो जो जॉइंट होते हैं साथियों, वो भैया उपास्थि के बने होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? उपास्थि साथियों लचीली होती है, ठोस होती है। ठोस तो होती है लेकिन लचीली होती है। हड्डी जो होती है साथियों कठोर व सख्त होती है, लेकिन जो अस्थि उपास्थि होती है साथियों, वो उपास्थि ठोस तो होती है लेकिन इसमें लचक पाई जाती है, एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है, लचीली होती है। कोशिका पूछे साथियों तो कोंड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, प्रोटीन पूछे तो कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कान का बाहरी भाग से पिन्ना या कर्ण पल्लव कहा जाता है। प्रोटीन की बात करें तो
कोंड्रिन प्रोटीन है, दूसरा नाक की नोक जो होती है साथियों, और शरीर के जो जॉइंट होते हैं, ये सभी साथियों उपास्थि के क्या है, उदाहरण है। अब एक बात को ध्यान रखना साथियों, नोट लगाकर लिख लेना कि जो उपास्थि होती है, इन उपास्थि में जो ब्लड वेसल्स है यानी कि रुधिर वाहिका है, जिसे आप आम भाषा में साथियों नस कहते हो, वो नस साथियों नहीं पाई जाती। आपके शरीर में साथियों जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में पैक होकर के घूमता रहता है। ब्लड वेसल्स को हिंदी में कहा जाता है साथियों रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं एक ट्यूब जैसी, एक नली जैसी संरचना होती है साथियों, जिसमें आपका ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। ये भी तीन प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो साथियों जो ये कान का बाहरी भाग होता है, जैसे कि ये है, तो जहां पर कार्टिलेज होती है, उपास्थि होती है साथियों, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अगर भैया ये ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे तो साथियों क्या ब्लड इनके पास होगा? तो साथियों नहीं होगा। आपकी जो उपास्थि होती है साथियों, उनमें ब्लड नहीं पाया जाता। अगर ब्लड नहीं पाया जाएगा साथियों, तो उपास्थियां पोषण कहां से प्राप्त करेगी साथियों? क्योंकि हमारे शरीर में साथियों जो ब्लड है साथियों, वो ब्लड ही सप्लाई करता है सभी अंगों को पोषण। क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्लड में ही साथियों घुल करके आपका ग्लूकोज आपके अंगों तक पहुंचता है, आपके शरीर के ऊतकों तक पहुंचता है, आपके शरीर की कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिका साथियों उस ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करती है साथियों, और ऊर्जा ही साथियों हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है साथियों, वो एटीपी के रूप में बनती है। तो भैया ब्लड जरूरी है पोषण के लिए, हमारे अंगों के पोषण के लिए, लेकिन उपास्थि के पास तो साथियों ब्लड वेसल्स ही नहीं है। अगर भैया ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर बात आती है कि भैया ये पोषण कहां से प्राप्त करती है? तो देखिए, इन उपास्थियों में साथियों एक साइनोवियल एक फ्लूड पाया जाता है। साइनोवियल एक फ्लूड यानी कि एक द्रव पाया जाता है साथियों। इसमें भैया डिफ्यूजन की यानी कि विसरण की प्रोसेस होती है। विसरण की प्रोसेस क्या होती है? हमेशा उच्च दाब वाला अणु साथियों निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा। तो ये जो साइनोवियल जो फ्लूड है साथियों, इसमें विसरण की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिसमें उच्च दाब वाला हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा। और इसी विधि के द्वारा साथियों पोषण प्राप्त होता है भैया, किसमें? इन उपास्थियों में। तो डिफ्यूजन विधि के द्वारा साथियों उपास्थियों में क्या प्राप्त होता है? पोषण। आपके हिसाब से लिख लेना। इतनी बात समझ में आ गई है साथियों तो लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और रिवीजन कराते हैं। देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको, स्क्रीनशॉट लिया आपने, एक बार और रिवीजन करवाते हैं। साथियों अधिकांश स्टूडेंटों को ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं पढ़ाने वाला हूं ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे हम। कनेक्टिव टिश्यू में साथियों पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं साथियों, ये चार प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नंबर एक पर आता है कार्टिलेज, नंबर दो पर आता है एडिपोज टिश्यू, नंबर तीन पर आता है साथियों ब्लड, और नंबर चार पर आता है बोन्स यानी कि हड्डियां। नंबर एक पढ़ रहे हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ठीक है साथियों। सबसे पहले बात करें तो जो उपास्थि होती है वो होती क्या है? कार्टिलेज है, वो क्या होती है? तो देखिए, आपके जो कान का जो भारी भाग है साथियों, इसे पकड़ कर देखिए, ये साथियों आपकी उपास्थि का, आपकी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये ठोस तो होता है साथियों, लेकिन इसमें एक निश्चित सीमा तक साथियों लचक पाई जाती है। किसमें? उपास्थि में। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा साथियों कि ये ठोस में लचीली होती। देखिए आप इस तरीके से घुमा सकते हो इसको, इस तरीके से मोड़ सकते हो। कान का जो भारी भाग है साथियों, ये देखो उपास्थि का बना होता है, तो ये देखो आप कैसे भी कर सकते हो, इसे लचक पाई जाती है इसमें। लेकिन हड्डियों को कर सकते हो कि आप, जैसे कि हाथ है, हाथ को घुमा दो आप इस तरीके से, यहां से लेकर के यहां तक ही तो घूमेगा, यहां से तो घूम जाएगा, लेकिन यहां से घूम सकता है क्या? घुमा दो आप। इसलिए साथियों से कहा जाता है कि जो उपास्थि होती है, जो कार्टिलेज होती है, ठोस तो होती है लेकिन इसमें एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपास्थियों में साथियों किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो कोंड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि साथियों एक ऊतक है, और किस प्रकार का ऊतक है? तो यह संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। इतनी बात क्लियर है? और बात करें, मैंने एग्जांपल दिए थे कान का भारी भाग है, नाक की नोक है, शरीर के जॉइंट्स है साथियों, ये सभी उपास्थि के बने हुए होते हैं।
फिर मैंने आपको नोट लगाकर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लेकर आया था कि उपास्थि में ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिका, जिसे आप आम भाषा में नस कहते हो, नस नहीं पाई जाती। और साथ ही आप सभी को पता है कि नसों में साथियों हमारा खून बहता रहता है, यानी कि ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिकाओं में हमारा खून बहता रहता है। हमारे शरीर में साथियों जो पोषण प्राप्त होता है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है साथियों, वो ब्लड की सहायता से साथियों हमारे अंगों तक ग्लूकोज पहुंचता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो साथियों ब्लड जरूरी है हमारे शरीर में, क्योंकि ब्लड की सहायता से ही हमारे शरीर के अंगों तक पोषण प्राप्त होता है, यानी कि पोषण पहुंचता है। अब भैया अगर नस है, नस में ब्लड ही नहीं जाएगा तो क्या उपास्थि को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर साथियों उपास्थि को पोषण कहां से प्राप्त होता है, बात यह आती है। तो देखिए बेटा, इस उपास्थियों में एक फ्लूड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूड। इस फ्लूड में साथियों एक विसरण एक विधि होती है, जिसमें हर हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। इस विधि के द्वारा साथियों इस साइनोवियल फ्लूड की सहायता से उपास्थि को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। बोलो समझ में आ गया? ओके, अब पढ़ते हैं साथियों नंबर दो पर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, अब पढ़ते हैं साथियों नंबर दो पर भैया, किसके बारे में? एडिपोज टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा पढ़ेंगे अब? एडिपोज टिश्यू के बारे में। देखिए बेटा, नंबर दो पर हेडिंग लगाओगे आप एडिपोज टिश्यू। मैंने कहा ना कि चार प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है एडिपोज टिश्यू, दूसरा तीसरा होता है बोन्स यानी कि हड्डियां, चौथा होता है ब्लड। तो नंबर दो पर पढ़ रहे हैं एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू साथियों किस प्रकार के ऊतक है? एडिपोज टिश्यू किस प्रकार के ऊतक है साथियों? तो भैया ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, एडिपोज जो टिश्यू होते हैं भैया, ये भैया वसा को संग्रहण करते हैं। वसा को स्टोर करने का कार्य करते हैं साथियों ये एडिपोज टिश्यू। और भैया ये हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ये आपकी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। बोलो बेटा इतनी बात क्लियर है? इनमें जो कोशिका पाई जाती है साथियों, वो कौन सी कोशिका पाई जाती है? देखिए इनमें पाई जाती है साथियों एडिपोसाइट सेल, यानी कि एडिपोसाइट कोशिका पाई जाती है। और याद रखना दोस्तों, ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं त्वचा के नीचे तो होते ही होते हैं, उसके अलावा भी साथियों ये आपके यकृत में, आपके लीवर में होते हैं साथियों, खापे होते हैं साथियों, आपके यकृत में होते हैं, आपके लीवर में होते हैं। अब मुझे ये बताओ साथियों कि एडिपोज टिश्यू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर में वसा को स्टोर करने का कार्य कौन करता है, तो भैया एडिपोज टिश्यू करता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एडिपोज टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा को स्टोर करने में सहायक होते हैं। लेकिन भैया जो वसीय ऊतक है, इसे हिंदी में कहा जाता है वसीय ऊतक, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वसीय ऊतक, ऐसे ऊतक जो वसा को स्टोर करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके साथियों, ये विशेष परिस्थिति में, ये विशेष परिस्थिति में साथियों ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं साथियों, वो भैया शर्करा को यानी कि ग्लूकोज को भी स्टोर कर लेते हैं। अब आप कहोगे कैसे भैया, समझ में नहीं है। देखिए मैंने साथियों लास्ट चैप्टर पढ़ाया था आपको एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों उसमें हमने पेंक्रियाज ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि के साथियों जो बीटा कोशिका थी, उस बीटा कोशिका से एक इंसुलिन हार्मोन निकल रहा था। कौन सा हार्मोन निकल रहा था? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है साथियों, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मैंने क्या कहा, आपके ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपके ब्लड में जो शर्करा है साथियों, उसे मैं ग्लूकोज कह सकता हूं। तो साथियों इस ग्लूकोज को जो इंसुलिन हार्मोन है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जब आपके ब्लड में साथियों ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये इस ग्लूकोज को साथियों ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर का संचित भोज्य पदार्थ है। और साथियों ग्लाइकोजन खा जा करके स्टोर होता है साथियों, तो विशेष प्रकार के ऊतकों में
या फिर साथियों मैं कह सकता हूं भैया कि आपके लीवर में जा करके स्टोर होता है। और साथ ही साथ में भैया विशेष परिस्थिति में ये एडिपोज टिश्यू में, जो एडिपोज टिश्यू है, जो वसीय उत्तक है साथियों, उनमें भी जा करके स्टोर होता है। तो एक वसीय उत्तक का ये भी कार्य है, वसा को स्टोर करता है, त्वचा के नीचे होता है, लीवर में भी पाया जाता है। इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो एडिपोसाइट सेल पाई जाती है। और विशेष परिस्थिति में साथियों शर्करा यानी कि ग्लूकोज को भी स्टोर करने का कार्य करता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको साथियों, अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो दो नंबर के टिश्यू आपके खत्म हो गए, दो टिश्यू खत्म हो गए, पहला था कार्टिलेज, दूसरा है एडिपोज टिश्यू। अब बात करते हैं साथियों नंबर तीन पर हम ब्लड के बारे में, यानी कि रक्त खून रुधिर। साथियों बहुत मजा आएगा क्योंकि इससे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपको ब्लड से, वो भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर तीन पर कौन सा है साथियों, नंबर तीन पर है भैया ब्लड। कौन सा है मेरे भाई, ब्लड, जिसे आप रक्त रुधिर या फिर क्या कहते हो, खून। इतनी बात क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि खून क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, और कौन सा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। इतनी बात क्लियर, ओके। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारी बॉडी में साथियों जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, तो साथियों ब्लड है। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है साथियों ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अब देखिए साथियों ब्लड के बारे में जानते हैं, तो ये है आपका ब्लड। ब्लड साथियों दो पार्टों से मिलकर के बना होता है, एक होता है इसका ठोस पार्ट और एक होता है साथियों इसका तरल, या फिर मैं कह सकता हूं कि द्रव पार्ट। जो ठोस पार्ट होता है साथियों पूरे ब्लड का लगभग 45% होता है, और जो तरल भाग होता है साथियों पूरे ब्लड का 55% होता है। जो ठोस भाग होता है साथियों इसमें हम ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें नंबर एक पर आता है साथियों आरबीसी, नंबर दो पर आता है डब्ल्यूबीसी, नंबर तीन पर आता है साथियों प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर विंबाण। और तरल द्रव वाला भाग है साथियों पूरे ब्लड का जो कि 55% है साथियों, इसमें हम भैया प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा एक हल्के पीला रंग का साथियों, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, द्रव है जो कि पूरे ब्लड का 55% है साथियों। इसमें साथियों 90-92% तो जल पाया जाता है, 1-2% की मात्रा में कुछ आयन्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, और लगभग 7-8% की मात्रा में साथियों इसमें प्रोटीन पाई जाती है जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब साथियों प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको ब्लड वाला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे साथियों, मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर चाहो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो ब्लड की मैंने 10 क्लास ले रखी है, ब्लड के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप ब्लड वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो वहां मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, ब्लड से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बनते थे साथियों उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इतनी बात क्लियर है कि ब्लड किस किस से मिलकर के बना होता है, ब्लड आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। इसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड सेल्स है वो 45% मात्रा में पाई जाती है जो कि ब्लड का ठोस भाग है, और प्लाज्मा है साथियों ये पूरे ब्लड का 55% है और ये एक द्रव भाग है। आपने सुना होगा साथियों कि जो ब्लड होता है ये भैया एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, सुना है आपने। ब्लड क्या है साथियों, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब बात आती है साथियों कि ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है, भाई ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा गया। सबसे पहले साथियों कि हमारे ब्लड में 55% मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा में भी साथियों 90-92% क्या पाया जाता है, जल। और जल आप सभी को पता है लिक्विड अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा भी लिक्विड अवस्था में होगा। तो भैया ब्लड एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है साथियों, इसलिए सब जोड़ा गया है तरल। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये भैया द्रव्य अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसे कहा गया है तरल। उत्तक क्यों कहा गया है, क्योंकि भैया उत्तक क्या होते हैं, एक जैसी कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का
समूह क्या कहलाता है साथियों? तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। इसमें साथियों बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है साथियों लाखों की संख्या में होती है, आरबीसी मिलियंस की संख्या में होती है, डब्ल्यूबीसी हजारों की संख्या में होती है। बहुत सारी कोशिका पाई जाती है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा गया है। इसलिए साथियों ब्लड को कहा गया है कि एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी शब्द क्यों जोड़ा गया है? मान लीजिए साथियों आपका ब्रेन है, अब ब्रेन को आपके लीवर तक सिग्नल भेजना है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर पर अधिकार बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो भैया ब्रेन को हमारे लीवर के पास सिग्नल भेजना है, तो साथियों क्या आपका ब्रेन स्वयं उठकर आपके लीवर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप ये काम करो? नहीं साथियों, ब्रेन आपके जो ब्लड है, आपके ब्लड है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है, आपको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है हमारी नसों में, तो ब्लड किस सहायता से साथियों सिग्नल भेजेगा किसके पास? आपके लीवर के पास। तो एक अंग से दूसरे अंग को कनेक्ट करने में यानी कि जोड़ने में सहायक होता है एक अंग से दूसरे अंग को, इसलिए साथियों शब्द यूज में लिया गया है संयोजी, यानी कि संयोजन यानी कि जोड़ना। तो ब्लड क्या है साथियों? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है इसलिए तरल, एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ता है, इसलिए साथियों शब्द यूज में लिया गया है संयोजी। तो ब्लड क्या है साथियों? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है साथियों कि ब्लड क्या है। निम्न में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ब्लड एक है, आपके ऑप्शन में होता है तरल संयोजी उत्तक। तो कौन सा उत्तक है साथियों? ये तरल संयोजी उत्तक है साथियों, और ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। बोलो इतनी बात क्लियर है भैया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। और आगे चले भैया, देखिए और बातें मैं आपको बताता हूं साथियों। जो ब्लड होता है, ये भैया आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का और भी बहुत सारी चीजें हैं साथियों, जिसका क्या करवाता है? ये परिवहन करवाता है, जैसे कि विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, इन सभी का साथियों क्या करवाता है? ब्लड परिवहन करवाता है। ब्लड साथियों हमारी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। और ब्लड के बारे में साथियों आपको जानना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण साथियों आपकी हड्डियों में होता है, हड्डियों में खोखला पार्ट होता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो, और उसी बोन मैरो में साथियों आपके ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी क्या क्या करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्लेटलेट्स क्या करती है साथियों, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, और भी ब्लड से संबंधित क्या क्या बीमारियां हैं साथियों, वो सभी हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जितनी आपको आवश्यकता थी साथियों ब्लड के बारे में जानने की, उतना मैंने आपको इस एनिमल टिश्यू में यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा दिया। वैसे साथियों हम ब्लड को पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में साथियों ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर साथियों ब्लड को अलग से भी चैप्टर मानते हैं और अलग से भी पढ़ाते हैं, जैसा सबको अच्छा लगे वैसा साथियों पढ़ाते हैं। लेकिन भैया मैंने भी अलग ही पढ़ाया हुआ है, जहां आपकी इच्छा होती है वहां पढ़ सकते हो। तो बोलो ब्लड के बारे में साथियों आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, मिटा देता हूं, आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में। मिटा दो, ओके। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा पहले कल की वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब पढ़ते हैं बेटा नंबर 4 पर, बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में। देखिए बेटा अब आती है नंबर 4 पर साथियों आपकी बोन्स यानी कि हड्डियां। बोन्स यानी कि हड्डियां। आपने साथियों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन सुना होगा कि हमारी जो हड्डियां होती है साथियों ये एक कठोर उत्तक है, यानी कि अस्थियां यानी कि हड्डियां हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक है, सबसे कठोर उत्तक है।
जी हाँ साथियों, आपकी जो अस्थियां होती है, आपकी जो बोन्स होती है, आपकी जो हड्डियां होती है साथियों, वो भैया सबसे कठोर ऊतक है। क्यों है साथियों? क्योंकि साथियों ये लचक नहीं पाई जाती इसमें, ये लचीली नहीं होती। ये बनी होती है साथियों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व CaPO4 कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है साथियों, और इसी के कारण इसमें लचक नहीं पाई जाती, ये कठोर होती है और सख्त होती है साथियों। इसलिए तो हम हड्डियों को क्या ऐसे घुमा सकते थे कि जैसे उपास्थि को हमने घुमाया था? नहीं साथियों, उपास्थि की तरह हम इसे नहीं घुमा सकते। तो अस्थियां साथियों हमारे शरीर की सबसे कठोर ऊतक होती है। और किस प्रकार का ऊतक है साथियों आपकी हड्डियां? देखिए, ब्लड भी साथियों अंग नहीं है, ऊतक है। आपके जो बोन्स है, आपकी जो हड्डियां है साथियों, ये भी अंग नहीं है, ये भी क्या है भैया? ये भी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। हमारी बॉडी का साथियों सबसे कठोर ऊतक है भैया आपकी अस्थियां, आपकी हड्डी। किसकी बनी होती है साथियों? तो कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें लचक नहीं पाई जाती। हमारी बॉडी में साथियों एक व्यस्क व्यक्ति में लगभग 206 हड्डियां होती है। जो बच्चा होता है साथियों उसमें लगभग, मैं बात करूं तो 260 से 270 अस्थियां होती है। और साथियों अगर मैं बात करूं भ्रूण की, तो भ्रूण में लगभग साथियों 300 के आसपास अस्थियां होती है। भ्रूण तो नहीं कह सकता साथियों, लेकिन मैं नवजात शिशु की बात करूं, अगर मैं जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उस नवजात शिशु में साथियों 300 से अधिक, लगभग में 300 साथियों अस्थियां होती है। और ऐसा बच्चा साथियों जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है, उसमें लगभग 260 से 270 अस्थियां होती है। जो व्यस्क व्यक्ति है साथियों उसमें 206 हड्डियां पाई जाती है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बेटा मैंने कहा कि एक व्यस्क व्यक्ति है उसमें 206 अस्थियां है। ऐसा बच्चा जिसकी 5 वर्ष से 8 वर्ष उम्र है, 260 से 270 अस्थियां पाई जाती है। और साथियों नवजात शिशु होते हैं उसमें 300 से अधिक अस्थियां पाई जाती है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। बाद में जाकर साथियों जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है साथियों, वैसे वैसे ही बहुत सारी अस्थियां आपस में कनेक्ट हो जाती है, और लास्ट एंड फाइनल साथियों आपके शरीर में बचती है 206 हड्डियां। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। साथियों जो आपकी अस्थियां होती है, ये अस्थियां क्या करती है? आपके शरीर का ढांचा बनाती है, शरीर का ढांचा बनाती है साथियों। और हमारे जो कोमल अंग है, उन कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने कहा कि जो अस्थियां होती है साथियों, ये आपके शरीर के लिए ढांचा बनाती है। कंकाल तंत्र वाले चैप्टर पूरा अस्थियों से संबंधित है, सब चीज हम अस्थियों से संबंधित पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे साथियों तो वहां पर आपको कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैंने MCQ भी करवा रखी है साथियों कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की। और ये हमारे जो कोमल अंग है, जैसे कि हृदय है, फेफड़े है, किडनी है, लीवर है, इन सबकी सुरक्षा करता है साथियों कौन? आपकी ये हड्डियां। ओके भैया, हमारी हड्डियों में साथियों जो कोशिका पाई जाती है वो कौन कौन सी है? देखिए, कोशिका एक तो है साथियों ऑस्टियोसाइट, जो आपकी अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है, यानी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। और एक है ऑस्टियोक्लास्ट, जो आपकी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन पाई जाती है साथियों आपकी हड्डियों के निर्माण में, आपकी हड्डियों में। और एक प्रोटीन है साथियों म्यूकोप्रोटीन या फिर कोलेजन प्रोटीन भी पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन। और मैं आपको बता दूं साथियों, हड्डियों आपकी हड्डी कैसी होती है? कुछ इस तरह की होती है। और हड्डियों के बीच में खोखला पार्ट होता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो, हिंदी में कहा जाता है साथियों अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा में साथियों आपका जो ब्लड है, अभी मैंने आपको पिछले ही नंबर 3 पर पढ़ाया था ब्लड के बारे में, तो इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है साथियों? हड्डियों का ये जो खोखला पार्ट होता है इसे बोन मैरो अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसी अस्थि मज्जा में साथियों ब्लड का निर्माण होता है। बोलो बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं साथियों। देखिए बेटा,
क्या नंबर चार पर हड्डियां आपको समझ में आई? ओके, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साथियों, से कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों में अगर कोई बीमारी है तो हड्डियों में यानी कि अस्थियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। इसलिए हड्डियों को डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है साथियों हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको। और ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। और लिवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। ऐसे ही साथियों बहुत सारी ब्रांच है जिनके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और आपकी कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं है? आ गए? ओके। अब साथियों घनत्व के आधार पर साथियों आपके जो संयोजी ऊतक है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। ये मुख्य रूप से साथियों जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक पर कार्टिलेज, नंबर दो पर साथियों बात की थी हमने एडिपोज टिश्यू की, नंबर तीन पर ब्लड की, नंबर चार पर बोन यानी कि हड्डियों की। अब साथियों दोबारा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतकों को घनत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, उनके बारे में और बात करते हैं साथियों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा साथियों, हमने हड्डियों के बारे में जाना, हमने ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली साथियों, हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में जाना, हमने उपास्थियों के बारे में जाना। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो साथियों आपका छूटना नहीं चाहिए। और इस प्रकार के जो साथियों जी ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू जंतु तक, इससे साथियों PCS, रेलवे, SSC, NDA, NEET बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए साथियों जरूर पढ़ लेना भैया, बहुत अच्छी चीज है। और इस तरीके से साथियों बहुत आसान भाषा में कौन समझाएगा आपको यार? देखिए अब घनत्व के आधार पर साथियों, घनत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं, दो भाग होते हैं। नंबर एक पर आता है साथियों लूज यानी कि ढीले, नंबर एक पर कौन सा आता है साथियों? लूज आता है भैया ढीले। और नंबर दो पर आता है साथियों डेंस। कौन सा आता है साथियों? नंबर दो पर आता है भैया डेंस यानी कि घने व गहरे। मैंने आपसे कहा साथियों कि वैसे तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो संयोजी ऊतक होते हैं साथियों, वो चार प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, उसके अलावा साथियों ब्लड और साथियों बोन्स। लेकिन भैया वापस दोबारा इसका वर्गीकरण किया गया था साथियों घनत्व के आधार पर, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लूज यानी कि ढीले कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ढीले संयोजी ऊतक, और दूसरे होते हैं साथियों डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि साथियों घने व गहरे संयोजी ऊतक। इसमें साथियों दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं साथियों लिगामेंट और इसके बारे में दूसरा पढ़ते हैं साथियों टंडन यानी कि कंड्रा, और एक है लिगामेंट स्नायु या फिर साथियों तंतु। इसमें दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या करता है साथियों? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे साथियों कि लिगामेंट का क्या कार्य है, लिगामेंट को स्नायु या तंतु कहा जाता है, तो यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने में सहायक होता है। आपने कुत्ते के मुंह में कुछ इस प्रकार की हड्डी देखी होगी साथियों, तो एक हड्डी तो ये रही और एक हड्डी ये रही, दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य साथियों कौन करता है? आपका लिगामेंट करता है। इतनी बात क्लियर? अब बात करते हैं टंडन कंड्रा की। तो साथियों ये हड्डी को पेशी से जोड़ता है, हड्डी को पेशी से जोड़ता है। टंडन या कंडरा क्या करता है साथियों? हड्डी को पेशी से जोड़ने में सहायक होता है, और पेशी साथियों हड्डियों के साथ जुड़कर गति प्रदान करने में सहायता करती है। और साथियों इसमें हम पढ़ते हैं भैया एरियोलर के बारे में, एरियोलर
ये एरियोलर के बारे में पढ़ते हैं साथियों, बात आती है कि एरियोलर क्या है। तो ये भी एक प्रकार का टिश्यू है, और किस प्रकार का टिश्यू है साथियों, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ढीले संयोजी ऊतक है। इतनी बात क्लियर है साथियों। ये हमारी चमड़ी के नीचे होते हैं, यानी कि त्वचा के नीचे होते हैं, और ये पाया जाता है साथियों आपके लीवर में, यकृत में, पलिया में आदि अंगों में पाए जाते हैं। और साथियों ये हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं साथियों एरियोलर, ये हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं साथियों। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा बेटा कि आपकी त्वचा के नीचे लीवर, पलिहा, जिसे आप यकृत भी कहते हो, तो इनमें पाया जाते हैं, और भी बहुत सारे अंगों में पाया जाता है ये एरियोलर टिश्यू। और ये आपके जो अंग होते हैं साथियों, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि उन त्वचा को गहरे, यानी कि जो अंग होते हैं जैसे कि लीवर है, यकृत, पलिहा है, तो इनको गहरे रहने, गहरे रखने का कार्य करता है, गहरे हुए रहता है साथियों कौन, ये एरियोलर टिश्यू। देखिए आपके त्वचा के नीचे होता है, लीवर में, पलिहा में, आदि अंगों में पाया जाता है, और लीवर को और पलिहा को और भी बहुत सारे अंगों को साथियों गहरे हुए रहता है। इतनी बात क्लियर है। इसमें साथियों जो कोशिका पाई जाती है, वो कोशिका कौन सी पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है माष्ट कोशिका। और ये माष्ट कोशिका साथियों किसका निर्माण करती है, तो एक हिस्टामिन, एक रसायन होता है हिस्टामिन रसायन, इस हिस्टामिन का साथियों ये श्रावण करती है कौन, ये माष्ट कोशिका। हिस्टामिन एक रसायन है साथियों, एक केमिकल है। जब भी आपको किसी चीज से एलर्जी होती है साथियों, तब ये आपके शरीर में बनती है भैया हिस्टामिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्टामिन रसायन का श्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो माष्ट कोशिका करती है। बात यह आती है कि माष्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है साथियों, तो जो ढीले संयोजी ऊतक होते हैं साथियों, यानी कि एरियोलर है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, एरियोलर एक ढीले संयोजी ऊतक है साथियों, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और ये भैया आपके जो अंग है, जैसे कि यकृत है, पलिहा है, और भी बहुत सारे अंग है साथियों, उनके घेरे हुए रहता है, और साथियों हमारे त्वचा के नीचे होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया साथियों आपका कनेक्टिव टिश्यू। कल हम साथियों मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, और साथियों न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करिए साथियों, और आप आराम से पढ़ सकते हो। और साथियों बात आती है कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो साथियों ये चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाएगा, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर समाप्त होने के पश्चात साथियों फिर उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके अलावा साथियों जो जो आने वाले संभावना है, जो क्वेश्चनों की आने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारे एनिमल टिश्यू में साथियों दो टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं, एक तो है एपिथेलियल टिश्यू और एक है कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही साथियों। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, 20 मिनट की क्लास लगेगी साथियों, अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। जो कुछ भी क्वेश्चन आते हैं साथियों इस चैप्टर से, वो इन दो क्लासों से ही आते हैं, इसलिए दो क्लासों को पढ़ लीजिए, कल तो नॉर्मल है। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और शुक्र दिन इसके एमसीक्यू करवा देंगे। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।